हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आप सब लोग ठीक हो ना? तो चलो, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। तो आप ये देख के तो समझ गए होंगे कि ये गाजर है। ओके, तो ये बड़ी से पतीले में हमने गाजर को बारीक कर लिया है अच्छी तरह से, देख सकते हैं आप। क्लियर दिख रहा है ना आप सबको? ओके, तो ये गाजर को अच्छी तरह से बारीक किया है और धीमी आंच पे उसको हम लोग उसका पानी निकलने देंगे। पानी निकलने के बाद ये देखो, वो इतना कम हो गया है। अच्छी तरह से उसको चलाते रहना है क्योंकि नीचे लगने नहीं देना है। उसका सब पानी निकलने के बाद उसमें मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है। ये देखिए, दूध डालने के बाद अच्छी तरह से उसको फिर मिक्स करना है। अभी हम तो ऐसे बनाते हैं, बट आपके यहाँ पे कैसे बनाते हैं, आपकी कैसी प्रोसीजर है, वो भी आप बता सकते हो हमें। बट हमारे यहाँ पे गाजर का हलवा ऐसे बनता है। तो ये देखिए, दूध डालने के बाद अच्छी तरह से हम उसको धीमी आंच पे और पकने देंगे। पकने के बाद उसमें ऐसे उबल आता है, देखा आपने? उसमें उबल आ रहा है। तो अभी और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ेंगे वो आप देखना। इसको एक साइड में पकने देना है। ये है खोया। अब हमको गाजर में खोया भी डालना है, तो हमने खोया एक साइड में निकाल के रखा है और बाजू में हमारा गाजर का हलवा धीमी आंच पे धीरे धीरे से पक रहा है। ओके, अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई इलायची। ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है अच्छी तरह से और इसमें हम अब ये सब ऐड करेंगे। अच्छी तरह से ये सब डाल दिए मैंने इलायची। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखो, इलायची हम लोग अभी मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इलायची सबसे पहले क्यों डालना है? क्योंकि जो इलायची का स्वाद है ना, वो पूरे हलवे में आना चाहिए। और जो भी मीठी चीज होती है, वो बिना इलायची की अच्छी नहीं लगती। अब बारी है इसमें शुगर को ऐड करने की। अभी देखिए, गाजर का हलवा हमारा ड्राई हो गया है पूरा। अब हम इसमें ये शुगर डालेंगे। शुगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जिसको जितना मीठा पसंद है वो उतना मीठा डाल सकता है। अब हमारा ये पूरा इतना ज़्यादा है, इसलिए हमने थोड़ी ज़्यादा डाली है। और ये अच्छी तरह से फिर से ये शुगर को हम मिक्स कर देंगे। मेरे पास स्टैंड नहीं था, तो मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ के ही इसको शूट किया है ये वीडियो। तो अगर आपको थोड़ी दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। बाद में बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। अब हमें ये ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड करना है, बट पहले मैंने इसमें किशमिश डाल लिया है क्योंकि किशमिश को थोड़ा पकना पड़ता है। ये किशमिश डालने के बाद हमको अभी ये अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, हमारा गाजर का जो हलवा था वो ये पूरा भर के था, बट इसको पकने के बाद ये कितना कम हो गया है क्योंकि इसका जो पानी है वो पूरा सोख गया है। अब बारी आती है खोया की। हम इसमें खोया डालेंगे, जिसको मराठी में मावा बोलते हैं, बिना शक्कर का। तो अब हम ये खोया ऐसे उसको अलग अलग करके डालेंगे क्योंकि उसमें ना गुठलियाँ ना हो। ये डाल दिया है। अब इसको पूरी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर कितना प्यारा हो गया आप देख सकते हैं। और खोया डालने के बाद इसका स्वाद है ना कुछ अलग आता है। और ये देखिए, हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स को बारीक करके डाला है, मैंने काट के नहीं डाला है। जो भी काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह था ना, हमने उसको बारीक करके डाला है, पीस के डाला है। क्योंकि क्या है ना, वो दांत में आते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते। अगर आपको अच्छे लगते तो आप काट के भी डाल सकते हो, बट हमने ये देखिए पीस के डाला है। और इसमें स्वादानुसार नमक भी डालना है। नमक को भी मिक्स किया। उसके बाद बारी आती है केसर की। ये देखिए, ये थोड़ा केसर हम इसमें डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए। इसका स्वाद अच्छा आता है। ये अपना ओरिजिनल केसर है, कश्मीर वाला। अब फिर से इन्हें मिक्स कर लेना है। नमक मैंने आपको बताया, नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये सब इंग्रेडिएंट्स इनमें पड़ने के बाद अब ये अपना गाजर का हलवा रेडी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा गाजर का हलवा कैसा बना है। ये देख लीजिए,
ये अपना गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना और करके देखना।